I am from Malar Academy, Kolkata. Now, today I am going to tell you about SSC CGL 2018 strategy and how you have to prepare for the SSC CGL 2018. क्योंकि SSC CGL एक ऐसा exams होता है जो हर एक candidate crack करना चाहते हैं. तो आइए देखते हैं SSC CGL का strategy क्या होना चाहिए. उसके पहले बता देते हैं कि SSC CGL में चार टायर्स होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4. अभी जो टायर 4 है ये हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. और बाकी जो टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 है ये हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा. तो आज इसके ऊपर बात करते हैं. पहले आता है टायर 1 में. टायर 1 को कहते हैं पीटी या यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम. टायर 1 में क्या होता है, टायर 1 में चार सेक्शन होता है. एक रहता है क्वांट, दूसरा रहता है रीजनिंग, थर्ड रहता है जनरल इंग्लिश और फोर्थ रहता है जीके या जनरल अवेयरनेस. अब हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड 2 मार्क्स ईच, सो 50 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन, सो टोटल 200 मार्क्स. इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर यानी 60 मिनट्स और आपको सॉल्व करना है 100 क्वेश्चन. और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, सो बी केयरफुल. नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन. अब ये गया टायर 1 में क्या क्या सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं. अब इसके डिटेल्स में जाते हैं. उसके पहले बता देते हैं टायर 2 में क्या आते हैं. टायर 2 में सिर्फ 2 सेक्शन आता है, एक आता है इंग्लिश और एक और आता है मैथ्स यानी क्वांट्स. अब इंग्लिश में रहता है 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और यहां भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 200 मार्क्स फ्रॉम ईच. अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि रीजनिंग क्वांट इंग्लिश ये तो हो जाएगा, हम लोग जीके का तैयारी कर रहे हैं. साल भर जीके का तैयारी करता है, जो एक्चुअली गलत है, क्योंकि सिर्फ जीके का तैयारी से आपका ये एसएससी सीजीएल नहीं निकालने वाला. क्यों बताते हैं आपको, थोड़ा डिटेल्स में समझिए. टायर 1 और टायर 2 मिला के टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होगा. अब ये 600 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाता है. 50 मार्क्स रीजनिंग, 50 मार्क्स जीके, 250 मार्क्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 250 फ्रॉम इंग्लिश. तो यहां से आपको पता ही चल गया कि जीके का उतना कुछ खास वैल्यू नहीं है, सिर्फ 50 मार्क्स का ही है. लेकिन इंग्लिश और मैथ्स को अगर लेंगे तो ये मिला के 500 मार्क्स है. और प्रीली और मेंस दोनों के लिए यानी टायर 1 और टायर 2 के लिए इंग्लिश और मैथ्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा है, यही फर्क है. तो एक बार अगर आपने क्वांट और मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको वो प्रीली में भी फायदा होगा, मेंस में भी फायदा होगा. तो ये जो रीजनिंग सेक्शन आते हैं, रीजनिंग सेक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ही इजी रहता है एसएससी का रीजनिंग सेक्शन, वो आप ऐसे ही निकाल लें. और हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट देते हैं, वो प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब आते हैं जीके में. जीके भी बहुत ईजी आता है, जैसे कि करेंट अफेयर्स हो गया एक सेगमेंट, एक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक सेगमेंट रहता है हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब के ऊपर. वहां से भी आप अच्छा खासा मार्क्स ला पाएंगे क्योंकि वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है
बेसिक्स चीजें रहता है, बहुत ही आसानी होता है और वह रिपीट भी होता है। एसएससी का एक फायदा है कि वो हर साल कुछ ना कुछ पिछले साल से रिपीट करता है, जो बैंकिंग के एग्जाम्स में या और दूसरे एग्जाम्स में नहीं होता है। तो ये तो सेक्शन में उतना कुछ टेंशन की बात नहीं है, ये हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस करिए ये दो सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में। अब इसका स्ट्रेटेजी क्या होगा उसको डिटेल में समझाते हैं। पहले आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो जैसे हमने बताया कि 250 मार्क्स आता है फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 250 आता है फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, वो टायर वन एंड टायर टू मिला के। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ सेक्शन में। यहाँ पे दो सेगमेंट से क्वेश्चन आता है, एक आता है अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा जो सेक्शन है उसको कहते हैं एडवांस मैथ। एरिथमेटिक सेक्शन से लगभग प्रीली के लिए 15 से 17 क्वेश्चंस आता है और यहाँ 10 टू 12 क्वेश्चंस आता है अप्रॉक्स, ऐसा रहता है। अब एरिथमेटिक सेक्शन में क्या क्या रहता है उसको डिटेल में जानते हैं। एरिथमेटिक सेक्शन में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISR यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब जो बहुत ही इजी है और इसका स्टैंडर्ड रहता है क्लास 8-9 लेवल का। ये बहुत ही इजी है, ये किसी बुक्स में मिल जाएगा और इसका जो छोटा छोटे जो ट्रिक्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ये 15-17 उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है एडवांस मैथ से ये थोड़ा टफ होता है। इस सेक्शन में क्या आता है, एडवांस मैथ में आता है आपके ट्रिगोनोमेट्री, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आता है जियोमेट्री, सार्ट्स एंड इंडिसेस, सार्ट्स एंड इंडिसेस का भी कुछ ट्रिक्स है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देते हैं उसमें उस ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बना रहता है। तो ये अगर कर लेंगे 10-12 क्वेश्चंस को तो ओवरऑल आपका मार्क्स बहुत आगे चल जाएगा। ये तो गया प्रीली के बाद। अब आते हैं मेंस में। मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में ये जो सेक्शन है इससे लगभग 70% क्वेश्चन आता है। तो इसको अगर आपने एक बार तैयारी कर लिए तो आपका मेन में भी ये काम में आएगा, यानी टायर टू में भी बहुत फायदा होगा। तो एक ही बार करिए, अच्छे से करिए, ताकि दो टायर एक ही साथ हो जाए। तो ये रहेगा मेरा सॉल्यूशन फॉर मैथ सेक्शन। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कुछ अलग अलग पार्ट्स है। एक है वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर क्या आता है, स्पेलिंग, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड और रॉन्गली स्पेल्ड, ये क्वेश्चंस आता है। प्रीली की बात कर रहा हूं, मेंस में भी आता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आता है, लेकिन प्रीली में भी आता है ये, मेंस में भी आता है। इसके साथ और आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आता है वर्ड्स के अंदर। तो वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन जो भी सेट्स मिलेगा या क्वेश्चन पेपर मिलेगा या हम लोग जो जिस प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस कराते हैं वो अगर आप करेंगे तो आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और उतना डिफिकल्ट भी कुछ नहीं आता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है, जैसे प्रीपोजिशन या सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये बहुत ईजी आता है, आप आसानी से कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है जो बहुत ही वाइटल होता है एसएससी के लिए, वो है पैसेज। देखिए पैसेज प्रीली में भी आता है और मेंस में तो 5 पैसेजेस आपको करना होगा, 5 पैसेज, और वहां से क्वेश्चन आएगा 20-25 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स के आसपास आएगा सिर्फ पैसेज से। आपका टोटल पेपर है 200 मार्क्स का, वहां से अगर 50 मार्क्स आपका सिर्फ पैसेज से आता है, इसका मतलब यही निकालता है कि 25% आता है सिर्फ पैसेज से। तो पैसेज को अच्छे से करिए, और पैसेज जो दिया जाता है वो ज्यादातर न्यूज़पेपर से दिया जाता है, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और पैसेज प्रैक्टिस करते रहिए।
वहां से आपको बहुत मदद मिलेगा। इसके अलावा और भी आता है जैसे क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट से भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स आता है 20 to 25। इसके साथ एक और चीज बोलेंगे जो नरेशन चेंजेस जो होते हैं वो भी आता है मेंस में 20-25, ये आता है नरेशन चेंजेस एंड एक्टिव एंड पैसिव। ये मिला के लगभग 40 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ भी सिर्फ ये दो सेगमेंट से आपका 80 मार्क्स हो जाएगा ये दोनों सेगमेंट्स। तो इसको अच्छे से करिए, नरेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, पैसेज को अच्छे से करिए और क्लोज टेस्ट अच्छे से करिए, तो आपका प्रीली और मेन दोनों में बहुत फायदा। तो ये रहा मेरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2018। मेरे को लगता है इससे आप लोगों को बहुत मदद होगा, बहुत फायदा होगा। इसको अच्छे से फॉलो करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी एग्जाम का डेट डिसाइड नहीं हुआ है कब होगा प्रिलिमिनरी या मेन, तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करिए, आपका एसएससी सीजीएल अच्छा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए कि कौन सा टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बना सकते हैं ताकि आप लोगों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू।